नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। 20 में लिखा गया है x plus 2 divided by root over 4x minus x square dx। ये है क्वेश्चन। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अगर इसको नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, 4 माइनस 2x आ जाएगा, बट ऊपर चाहिए कितना, x प्लस 2, तो ये तो गड़बड़ है ना। अगर इसमें से 2 कॉमन भी ले लेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस एक्स, तब भी ये क्या है, x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 तो नहीं है। तब इसके लिए क्या करना है हम लोग को, लेट करके एज्यूम करेंगे कि x प्लस 2 जो है वो a ऑफ डिफ्रेंसिएशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस बी के साथ क्या है, इक्वल है। और a और b का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इससे फाइंड करेंगे। कैसे निकालेंगे a और b का वैल्यू, सबसे पहला काम है कि इसको लिख देंगे x प्लस 2, ये a है, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 4 माइनस 2x एंड b, a को अंदर कर देते हैं तो कितना मिलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2ax प्लस b। अगर यहां पर हम देखें कि कोफिशियंट ऑफ x, अगर हम लोग कोफिशियंट ऑफ x को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहां पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहां पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2a विथ नेगेटिव साइन, तो a का वैल्यू इजिली निकल जाएगा -1/2। बट अगर हम कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट कितना है यहां पे, 2 है, और यहां कांस्टेंट कितना है, 4a और b है, तो 4a प्लस b लिखेंगे। a का वैल्यू तो हमको निकल चुका है, तो अगर हम a का वैल्यू यहां पुट भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 माइनस 1 बाय 2 प्लस बी। अब चेक करो ये कितना होगा, 2 से कटेगा तो माइनस 2 प्लस बी, वाह बी का वैल्यू आ गया 0, नहीं नहीं ये तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी बी का वैल्यू 4 आया। अब हमको पता चल चुका है ए का वैल्यू हाफ होगा और बी का वैल्यू 4 होगा, तो अब चेक करो क्वेश्चन कैसा बन गया, ये x प्लस 2 को ये अज्यूम किए थे, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको इक्वेशन 1 देके रखते हैं। अब a का वैल्यू हाफ पुट करेंगे, b का वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, अब यहां पे ये x प्लस 2 है, x प्लस 2 को क्या लिखना है, ये लिखना है a का वैल्यू माइनस 1/2 4 माइनस 2x, फिर प्लस b, प्लस b, b का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय रूट में जो भी है वो एज इट इज लिख देंगे 4x माइनस x स्क्वायर dx। अब इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने पे -1/2 बाहर आ जाएगा, यहां लिखा आएगा 4 माइनस 2x और नीचे में लिखा जाएगा रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में 4 1 बाय रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये क्वेश्चन आ गया जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसके जैसा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको क्या लिखना होगा, i1, इसको i ट्रीट कर लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये है i1 और ये क्या है i2। i1 तो पता है कैसे सॉल्व होगा, नीचे वाला को z लेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, कैसे, 4x का 4 होता है और 2x x स्क्वायर का माइनस 2x, ये आ गया। तो इसको अगर हम i1 को सॉल्व करना चाहते हैं तो z लेके बनाएंगे अपना, जो आंसर आएगा वो लिख दे रहे हम 2 रूट ओवर 4x माइनस x स्क्वायर प्लस c आएगा, ये i1 का वैल्यू आएगा। अब i2 कैसे सॉल्व करना है, i2 के लिए थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लेंगे, जिससे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है, रूल के हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा ये, अगर हम इसको देखें तो ये a स्क्वायर है, यहां लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब चेंज कर रहे हैं, a का स्क्वायर x है, माइनस 2ab के हिसाब से लिखेंगे तो ये 4 था ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2x इंटू 2, 2x इंटू 2, तो b का वैल्यू हम लोग को मिल गया 2 का स्क्वायर। अब अपने मन से लगाया तो बैलेंस करना होगा, अब देख लो क्या हो गया, ये यहां से यहां तक फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का, और ये कितना है 2 का स्क्वायर है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रूट ओवर, ये माइनस जब अंदर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर पहले और x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाद में। अब फॉर्मूला बताऊं क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स लगना चाहिए,
तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स माइनस टू बाई टू। अब ये था आई टू, यहां पुट कर देंगे, चेक करो आंसर कितना है, माइनस हाफ। अच्छा हाफ के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम फाइनल आंसर यहां लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये माइनस रूट ओवर फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फोर के साथ प्लस में फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू बाई टू। आंसर क्या यही है, सेम है ना, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, देखते हैं क्या लिखा है। इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये है क्वेश्चन। अब इसमें भी वही काम करेंगे जो हमेशा करते आ रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहला काम इसमें, इसको जेड लेंगे तो ऊपर वाला तो आ नहीं रहा है, तो सिंपल से हम लोग क्या करने वाले, लेट ये जो x प्लस टू लिखा हुआ है उसको ले लेंगे a डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री बाई डी एक्स, और एक एक्स्ट्रा में b। अब चेक करो, ये तो x प्लस टू है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, और यहां पे क्या होगा b, ये है इक्वेशन। इसी में वैल्यू पुट करना है वापस हम लोग को। तो अब चेक करो, अगर हम लोग a को अंदर कर देते हैं तो ये कितना है, x प्लस टू इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस बी। अब चेक कर देंगे इसमें कोफिशियंट, अगर लेंगे कोफिशियंट ऑफ x अगर लेते हैं तो यहाँ कितना है 1, यहाँ पे x कहाँ पे, यहाँ है, यानी कि 2a, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई टू। फिर क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कंपेयर करने का मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना होगा 2a प्लस बी। चेक करो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हाफ आया था ना, यहाँ पुट कर देते हैं 1 बाय टू प्लस, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये 2 कट गया, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस बी, यानी कि b का वैल्यू कितना आएगा 1, 1 को उठा के इधर लेके आ गया तो माइनस हो गया। अब ये वैल्यू यहां चलते हैं इसको देखते हुए, इंटीग्रेशन x प्लस टू को क्या लिखेंगे a, यानी कि हाफ हाफ 2x प्लस टू प्लस b का वैल्यू कितना आया था 1, तो यहां 1 रहने देते हैं। नीचे कितना लिखा हुआ है, ये रूट में है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब चेक करो, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस टू, और बाय में जो रूट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एज इट इज रख दें। वन को बाहर करने का कोई जरूरत ही नहीं, वन से क्या होने वाला, ये टू डी एक्स हो जाएगा और ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको I1 ले लेते पहले, तो हाफ I1 और ये क्या होगा I2, ये I था, I1 तो पता है कैसे बनने वाला, नीचे वाला को Z लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं, कितना आने वाला है I1, जैसा कि पहले किए थे 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब I2 का टेंशन है, I2 क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनेगा, तो नीचे कितना लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब x स्क्वायर प्लस 2x है तो इसको तोड़ते हैं, कितना होने वाला है, ये 2x है, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहां 2 भी आ गया, x भी दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहां पे क्या है 2x है, तो ये 2 1 हो गया। अब चेक करो क्या लिखना है, एक लिखना है प्लस 1 स्क्वायर और एक लिखना होगा माइनस वन स्क्वायर, और प्लस में तो थ्री है ही, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा टू आया, टू को क्या लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर। अब बताओ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, बोलो कोई बोलो, खुश के बोलेंगे नहीं आते, वन बाय ए, वन बाय ए कहां से आ गया, लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस, एक्स प्लस का मतलब होता है एक्स प्लस वन लिखना होगा ना, एक्स प्लस वन प्लस में रूट ओवर, ये वाला पूरा लिखा जाता है
तो पूरा का मतलब यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ये किसका वैल्यू निकला, ये निकला है आई टू। अब आई वन तो पता ही है कितना था, यहां पुट करेंगे तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर होगा वो आंसर होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस ये वाला फॉर्म लॉग एक्स प्लस वन और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। कितना आंसर है? सही है, ठीक है। तो ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिखा है 22 में? x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स। इस बार नीचे में रूट नहीं है, अच्छा है, क्वेश्चन ठीक लिखे हैं, x प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर सही है। देखते हैं क्या करना है, जैसा कि हमेशा करते आ रहे हैं, नीचे वाला को z लेने से ऊपर वाला अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग को क्या करना है, लेट करके ये जो x प्लस थ्री है इसको लिख देना है a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव बाय डी एक्स और एक एक्स्ट्रा में b लिख लेना है। इसके बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x प्लस थ्री इज इक्वल टू a टू एक्स माइनस टू प्लस बी, इसको इक्वेशन वन दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ये a चल जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए एक्स और ये हो जाएगा 2a और प्लस में b। सही है। अब क्या कोफिशियंट, अगर हम कोफिशियंट ऑफ x के बारे में बात करें तो यहां कितना है 1, यहां पे कितना है 2a, a का वैल्यू 1/2। कांस्टेंट को लिखेंगे, अगर कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे ये 3 है और यहां कितना है माइनस 2a और b, तो चेक करो ये तो 3 है, ये कितना होगा, a का वैल्यू 1/2 यानी कि 3 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और प्लस में b, ये माइनस 1 को उठा के लेके आएंगे तो 4 हो जाएगा b का वैल्यू, है b का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 1/2 आया है। तो क्वेश्चन क्या बनने वाला है, चेंज करेंगे जैसे कि x प्लस 3 को चेंज करना है तो x प्लस 3 को लिखेंगे a, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लिख देते हैं, हाफ ब्रैकेट ओपन 2x माइनस 3 और b का वैल्यू कितना आया था 4, तो 4 लिख देंगे। नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स, सेपरेट करेंगे हाफ बाहर हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कैसे, 2x माइनस 2 है ना, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस में 4 के साथ ये 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो फाइनली कितना बन रहा है, इसको z लेंगे तो ये बन ही जाएगा, इसको हम ले रहे हैं i, ये हो जाएगा i इक्वल टू हाफ आई वन और 4i2। अच्छा यहाँ पे क्यों लिखे हैं, ये तो नहीं हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ तो ऊपर 1 हो जाएगा, कट जाएगा ना। तब बताओ i1 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको z लेंगे तो ये आ जाएगा यानी कि i1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा log में x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव होगा। और अगर i2 के बारे में बात करें तो i2 क्या होगा 1/2 है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो चलो अच्छा है कि एक स्क्वायर हो जाएगा मगर माइनस में है एक 2 a और b, b का वैल्यू 1 होगा क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक 1 का स्क्वायर लगाना होगा एक माइनस 1 का स्क्वायर लगा देंगे, ये dx। अब चेक कर लो ये वाला जो है यहां से यहां तक x माइनस 1 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 5 मिलके हो गया माइनस 6 यानी कि रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है 1/2a, अच्छा 1/2a है इसका मतलब यहाँ रूट 6 होगा, ठीक है ये a है ना, ठीक है उसके बाद log, फिर क्या होता है x माइनस a और x प्लस a, सही ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकला i2 निकला, अब यहाँ पुट करना है तुमको तो फाइनल आंसर कितना दिखेगा हाफ हाफ के साथ ये वाला, अच्छा ये i1 है हाफ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं था, तो i1 के साथ अगर लिखेंगे तो हाफ log x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव आएगा
और प्लस फोर, फोर ऑफ दिस का मतलब हो जाएगा कटने के बाद टू बचेगा, तो यहां हो जाएगा टू बाय रूट ओवर सिक्स लॉग में x माइनस वन माइनस रूट ओवर सिक्स डिवाइडेड बाय x माइनस वन प्लस रूट ओवर सिक्स प्लस सी। कितना आंसर है? सही है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या लिखा है? इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। सिंपल है, जैसा कर रहे थे वैसा ही करना है। तो पहला काम लेट करके ले लेना है, क्योंकि नीचे वाले को जेड लेंगे तो ऊपर वाला नहीं आने वाला है। तो लेट करके अगर हम लिखते हैं कि 5x प्लस 3 जो होगा वो a ऑफ डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c होगा। तो चेक करो dx छोड़ गया, ये क्या होने वाला है? ये है क्या 5x प्लस 3, ये a हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करने वाला है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस 4 प्लस b। अब नेक्स्ट हम लोग का इसको इक्वेशन दे देते हैं, लिखना है x को कंपेयर करते हैं तो कोफिशियंट ऑफ x लेंगे। कोफिशियंट ऑफ x कितना है? इस साइड में 5 है, इसमें ये तो अंदर चल जाएगा ना a, तो कितना आएगा 2 है, और कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, इसको इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं 5x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2ax प्लस 4a प्लस b। तो जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो कॉन्स्ट कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ x, तो यहाँ 5 होगा यहाँ 2a हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? कोफिशियंट तो नहीं होगा, कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। अगर कॉन्स्टेंट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 3, ये बचेगा 4a प्लस b। a का वैल्यू निकाल लेते हैं 5/2, सही जवाब। तो यहाँ पे कितना आने वाला है? 3 4 इंटू 5/2 प्लस में b, ये 2 से काटते हैं तो ये 3 और ये 6 और ये b। अब क्या होगा? b को उठा के इधर लेके आना होगा, 10 को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, सही लिखे ना, ये निकल गया a और ये निकल गया b। पुट करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, a का वैल्यू 5/2, 5/2 ब्रैकेट ओपन, ये लिखना है 2x प्लस 4 और b का वैल्यू है नेगेटिव 7 है, तो यहाँ नेगेटिव में लिख देते हैं नेगेटिव 7 और y में क्या है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब अलग अलग करते हैं, 5/2 को बाहर रखना है, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx लिख देते हैं, और माइनस 7 बाहर करके रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx कर देता है। जैसा कि पता है इसको i1 लेना है 5/2, ये 7 i2 हो जाएगा और ये है i। ठीक है, अब i1 का क्या होने वाला है? नीचे वाला को z लेंगे तो ऊपर का जो लिखा हुआ है 2x प्लस 1 वो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि i1 जो होगा वो होगा 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये इंटीग्रेट करके साथ में लिख चुके हैं। i2 के बारे में बात करें, i2 क्या? 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तब चेक करो, ये अच्छा खासा दिया हुआ है x का स्क्वायर और ये भी 2 इंटू एक्स इंटू 2 का फॉर्म में है, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब जब 2 का स्क्वायर लिखे तो बैलेंस करने के लिए एक और माइनस करना होगा और प्लस में 10, ये dx। अब चेक करो क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और ये कितना होगा? 4 है और ये क्या है? 10 है ना, तो 4 और 10 8 होता है। वाह, कैसे कर लेती है? 6 होगा ना, तो ये 6 होगा, 6 को हम रूट ओवर 6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, चेक करो फॉर्मूला, बोलो। x प्लस 2 होगा और रूट में ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 आ जाएगा। ये है फॉर्मूला। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हम लोग का? आंसर यहां लिख लेते हैं, 5/2 तो होगा, i1 लिखना था, i1 में एक 2 है पहले से, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, उसके बाद माइनस 7, i2 क्या है? ये वाला है ना, लॉग में x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10।
सही है आंसर मिला तो क्या ए टू को काट देंगे, उम्मीद तो है आ जाना चाहिए। चेक करो 23 नंबर सही है ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23। और कुछ बोलना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ऑब्जेक्टिव टाइप है ठीक है। क्या लिखा है? डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या, ऊपर में कुछ है नहीं तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, ज्यादा डी एक्स हो गया एक डी एक्स रखेंगे। तो यहाँ पे कितना होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू है, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ टू लिखेंगे तो एक्स के साथ वन लिखना होगा क्योंकि यह 2x है ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बैलेंस करते हैं जैसा कि, और ये प्लस में 2 है पहले से। अब चेक करो क्या बन रहा है, ये यहां से यहां तक x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे क्या होगा प्लस 1 का स्क्वायर क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा 1 बाई 1 टेन इनवर्स x प्लस 1 बाई 1। तो फाइनली आंसर होगा हम लोग का टेन इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। तो ऑप्शन बी नंबर जो है वो सेम टाइप का दिख रहा है तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 25 भी देख ही लेते हैं, यहाँ पे 25 में क्या लिखा है, लिखा है डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 9x माइनस 4x स्क्वायर ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस को पहले कॉमन निकालना होगा, माइनस को पहले क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, एक्स फोर एक्स स्क्वायर और माइनस में 9x। अब फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है 9 लिखा हुआ है तो हम लोग को फॉर्मूला में तो 2 चाहिए और x भी, और ये 2x पहले से क्या है ए का वैल्यू है तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2x और क्या लिखना होगा 9 बाई 4 लिखना होगा। क्यों 9 बाई 4 लिखेंगे, क्योंकि 2x क्या है a, तो ये रहा हम लोग का a और ये लिखेंगे b क्योंकि हम लोग को चाहिए 9 तो 4 काटना भी तो होगा। अब क्या होगा 9 बाई 4 का होल स्क्वायर और माइनस में 9 बाई 4 का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक क्या हो गया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हो गया ये 2x माइनस 9 बाई 4 का स्क्वायर और ये कितना है माइनस में 9 बाई 4 का स्क्वायर। माइनस को जैसे ही अंदर करेंगे ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा, मतलब dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर 9 बाई 4 का स्क्वायर और 2x माइनस 9 बाई 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, तो साइन इनवर्स क्या होगा 2x माइनस 9 बाई 4 और ए क्या है 9 बाई 4 है। और एक चीज इसमें दिक्कत हो सकता है कि ये वाला जो 9x माइनस 9 2x माइनस 9 बाई 4 है उसको हम लोग तो z लेंगे ना, तो उसका एक डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में एक यहां पे एक्स्ट्रा जो आएगा वो 2 आएगा। ये जो 1 बाई 2 आएगा वो कैसे आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग अगर z लेंगे, लेट करके लिखना होगा ना 2x माइनस 9 बाई 4 को z, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा dz बाई dx, तो हमको dx चाहिए होगा तो dz के नीचे लिखना होगा 2, तो ये 2 आएगा ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आने वाला है। LCM ले सकते हैं, LCM ले लिया लगता, ले लेते हैं। ये 4 इसके पास जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 बाई 9। तो 1 बाई 2 साइन 8x माइनस 9 बाई 9 बी नंबर ऑप्शन सही लग रहा, दोनों का बी आया। एक बार आंसर मिला लेते हैं 24 और 25, 24 एंड 25 7.4 का, दोनों का बी है 24 25। तो ये था फाइनल एक्सरसाइज।